थैंकलेस प्रोफेशंस। तो मैंने आपको आप सबको आज शुक्रिया कहना था, और उसके बाद ऑब्वियसली मेरा नया तंजीम जो है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो था, और हर सूबे के तंजीम, साबिक तंजीम भी, मेरा म्यूजिशंस, एक्टर्स, जिसने इस तकरीब में हिस्सा लिया था, मेरा सिक्योरिटी के बंदे जिसने आप सबको ज़्यादा तंग किया होगा, लेकिन वो अपने जान को दे रिस्क देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट मी एंड टू प्रोटेक्ट यू एंड टू प्रोटेक्ट एवरीवन, और उनके बगैर हम ये नहीं कर सकते थे। बस ये मैं कहना था कि बहुत शुक्रिया। कौन से चैनल से हो? बोल से, बोल का माइक कहाँ है? मैं समझता हूँ कि नहीं, इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। आप जानते हो कि इंसाफ नहीं है। अगर आज भी 2017 में एक बंदा को सजाए मौत मिलता है, फिर 2-3 महीने बाद हमारे जज साहबान कहते हैं कि नहीं वो इनोसेंट थे, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आज तक इंतज़ार कर रहा हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली, इन्होंने ये बिके हुए जजेस ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कातिल करार दिया है, और आज तक माफ़ी दूर की बात है, जस्टिस नहीं दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनवरी से लाहौर का शहरी बन जाऊंगा, मुल्क में इंसाफ नहीं है, आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं सिर्फ आम सियासतदान नहीं हूं, मैं दहशतगर्दी पे सियासत नहीं करूंगा, और अगर ये लोग दहशतगर्दी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो फिर मैं लीड लूंगा। मैं एक प्रैक्टिकल प्रोग्रेसिव अलायंस बनाऊंगा इस मुल्क में, वेयर वी डोंट अग्री, शायद मी एंड द अदर पॉलिटिकल पार्टीज वोंट अग्री ऑन वेरियस इश्यूज, मगर जिस इश्यूज पे हम अग्री करते हैं, जहां हमारा राय से है, हमारा मिशन से है, हमारा कोर्स सेम है, तो फिर हम मिलकर काम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जब हम मिलकर काम करेंगे रिजल्ट्स हमारा फेवर में आएंगे। भट्टी साहब एक मिनट देखो, बिल्कुल एक तो कोई डिले नहीं है, मैं मेरा स्केड्यूल के मुताबिक चल रहा हूँ और उसी स्केड्यूल के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। मैंने मेरा तंजीम का डेवोल्यूशन जब पनामा स्कैंडल पहले हुआ था मैंने उस वक्त डिसॉल्व किया था, और हम किसी ड्रामा का इलेक्शन नहीं कर रहे हैं जहां नून लीग के सदर हाउस में आप बैठते हो और आप कहते हो कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा कौन ये नहीं, या जैसे पीटीआई का ड्रामा इलेक्शन था जहां 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ने रिज़ाइन करके कहा था कि धांधली हो रहा है पीटीआई के इलेक्शंस में, ऐसे हमने नहीं करना था। मैं मशावरत से मेरा तंजीम बना रहा हूं। हमने शुरू किया था कि हम कारकुनों से मशावरत लेंगे, फिर मैं पार्टी अहदेदारों से मशावरत ले रहा हूँ, आखिर में इलेक्शन होगा CEC में। जी सर, जी सर, मैं आपको थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था ऑपोजिशन को साथ मिलाने। आपको याद होगा कि एक बाय इलेक्शन हुआ था जेलम, जी जेलम में, वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैंडिडेट था जो सेकंड पोजीशन लिया था उस इलेक्शन में। मैंने सोचा इस इलेक्शन से पहले, मैंने कायरा साहब से बात किया कि शायद इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का जॉइंट कैंडिडेट होना चाहिए।
अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का जॉइंट कैंडिडेट होता और हम जीतते जंग से, फिर यू नो हमारा टेबल्स टर्नड हो जाते और हम नवाज शरीफ को दिखा सकते कि अवाम आपको नहीं चाहते हैं और पैनामा पर एक सच्चा इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। मगर पीटीआई ने हमें धोखा दिया, पीटीआई ने मेरा कैंडिडेट चोरी किया और ख़ुद अपना सिंबल पर खड़ा करवाया और फिर हारा। और उस बाई इलेक्शन के बाद हमने ये जंग का इलेक्शन लड़ा था। उस जंग का इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को पीछे छोड़ा था। जी सर, पिछले लाइन से कौन क्या आप कहते हैं जी ये हमारी वर्करों की डिमांड है वजीर। एक मिनट, पहले तो मैं मेरा स्ट्रैटेजी जो है नवाज शरीफ के खिलाफ, मैं पूरा स्ट्रैटेजी आपको नहीं बता सकता हूँ। वो तो इमरान खान का स्टाइल है, वो अपना स्टाइल रखता है, मैं अपना स्टाइल रखता हूँ। मेरे नज़र में हमारा ऑपोजिशन जो है बड़ा कामयाब हो रहा है। हमने स्टेडली पैनामा इशू पे प्रेशर बिल्ड किया है, हमने हर फोरम को इस्तेमाल किया है और खुला दिल से वी गॉन टू द इलेक्शन कमीशन, वी गॉन टू पार्लियामेंट, और हम अभी तक पार्लियामेंट के दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब मेरे चार मुतालबा नहीं मानते हैं तो फिर हाँ, सड़कों भी, द स्ट्रीट्स आर आल्सो एन ऑप्शन फॉर मी, द कोर्ट्स आर आल्सो एन ऑप्शन फॉर मी, हर सूबे के प्रोटेस्ट होंगे। ये मैं कोई हमें इमरान खान का धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोजीशन आपको बता रहा हूँ कि हम जम्हूरी एहतसाब चाहते हैं। अगर आप हमें जम्हूरी एहतसाब नहीं देते हैं, हम जम्हूरी एहतसाब आपसे लेंगे। मैं देख रहा हूँ यही चीज़, आप साइकिक होगी, बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ कि इलेक्शंस 2017 में होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत हर तरफ होगा, ना सिर्फ सेंटर में मगर हर सूबा में। फैजान बंगेश फ्रॉम द न्यूज़ प्लीज। The Pakistan People's Party has never faced an equal playing field. I'm not used to facing an equal playing field. Mera taiyari jo hua hai wo equal playing field par nahi hua hai. Agar aap mujhe equal playing field dete ho bhi main nakam ho jaunga. We are used to the fact that we get an unequal playing field. We're used to the fact that the system is rigged against us, just like the system is rigged against the average Pakistani. मैं जानता हूँ कि हमारे लिए कोर्ट्स दूसरे फैसले देते हैं, मैं जानता हूँ कि हमारे लिए ब्यूरोक्रेसी दूसरा काम करता है, मैं जानता हूँ कि जो भी इस मुल्क का स्टेटस को इंस्टीट्यूशन है, ये लोग हैं, वो जानते हैं कि जो चेंज का इंस्टीट्यूशन है इस मुल्क के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सर, मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैंडल करेगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देखो आप मेरा स्ट्रैटेजी चाहते हो, मैंने पहले भी कहा है कि मैं मेरा पूरा स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा आप सबको, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 27 दिसंबर तक मेरे मुतालबात नहीं माना जाता है तो फिर 27 दिसंबर पे मैं मेरा लॉन्ग मार्च का ऐलान करूँगा। देर इज़ नो यू टर्न,
There's no way back. There are two options. Either meet my demands or face the Pakistan People's Party on the streets of Pakistan. Those are your only options. Thank you so much. Abhi aapne khana khana hai, maine aapko kuch khilana hai. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कहते हैं कि इलेक्शन 2017 में देख रहा हूं।